कैसे पढ़े भारत के इतने नाम आर्यव्रत से इंडिया तक। आज हम आपको बड़ी ही रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, वो है नाम को लेकर। क्योंकि किसी को पुकारने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है उसका नाम। अगर आपको किसी के नाम की जानकारी नहीं है तो आप उससे सम्मान से प्रेम से बात नहीं कर पाएंगे। कोई कहता है कि नाम में क्या रखा है और कोई कहता है कि नाम में ही सब कुछ रखा है, क्योंकि नाम ही आपकी पहली आधिकारिक पहचान बनाता है। तो चलिए आज की वीडियो में अपने देश के नामकरण की कहानी जानते हैं। हमारे देश को कई अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कोई इसे भारत कहता है, कोई हिंदुस्तान, तो कोई ईस्ट और वेस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमारा देश बेस्ट तो है ही, विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, रीति रिवाजों को मानने वाला भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत, इंडिया, हिंदुस्तान जैसे नामों से अलग भी अपने देश के कई और नाम हैं? और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे देश के इतने नाम कैसे और कब पड़े? तो आइए जानते हैं अपने देश के इन तमाम नामों की दिलचस्प कहानी। जिस नाम से सबसे पहले हमारे देश को पुकारा जाता था वो था सप्त सैंधव या सप्त सिंधु। इसका अर्थ ये हुआ कि आर्य लोगों का प्रारंभिक निवास स्थान हुआ करता था सप्त सिंधु। हमारे वेद पुराणों में सात नदियों का उल्लेख मिलता है, गंगा, यमुना, सरस्वती, सतलुज, परुष्णी, मरुध्वजा और आजिकिया। इसीलिए ये बन गया सप्त सिंधु। भारत का उत्तर पश्चिम भाग सप्त सिंधव था। ऐसा माना जाता है कि ये संसार का आरंभिक स्थान और आर्यों का देश भी था। हमारे देश का दूसरा नाम आर्यव्रत माना जाता है। आर्यव्रत यानी आर्यों का देश। सप्त सिंधव के बाद आर्य भारत के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। उनकी संस्कृति एशिया महाद्वीप के दूसरे भागों में भी फैली। ग्रंथों के कुरु पांचाल देश को आर्य संस्कृति का केंद्र माना जाता है, जहां यज्ञोदि अनुष्ठान होते रहते थे। इस कारण इस भूभाग को प्रजापति की नाभि भी कहा जाता है। कुरु पांचाल की भाषा ही सर्वोत्तम मानी जाती थी। उपनिषद काल में आर्य सभ्यता की गूंज काशी और विदेह तक फैलने लगी। उपनिषद में माना गया है कि पंजाब से मिथिला तक आर्यों का निवास स्थान रहा है। ये भी कहा जाता है कि आर्य उत्तर में कश्मीर से उत्तरी राजस्थान तक फैले थे और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी गंगा किनारे तक आर्यों का ही शासन था। तो इस तरह अपना देश एक समय में आर्यव्रत भी कहलाया। एक और नाम है जम्बूद्वीप, जिसका जिक्र आपने रामायण में सुना होगा। तो एक युग में अपनी भूमि इस नाम से भी पहचानी गई है। कहते हैं सतयुग में, त्रेता युग में देश को जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा जाता था और ये प्रमाण रामायण जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। अब जम्बूद्वीप इसे क्यों कहा गया? इसके लिए ये माना जाता है कि भारत के कुछ भागों में जम्बू के वृक्ष यानी जामुन के पेड़ बहुत ज्यादा थे। वहीं सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी ये नाम अंकित मिलता है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विदेशी इतिहासकार ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ये शिलालेख ब्रह्म लिपि और खरोष्ठी लिपि में लिखे गए थे। तो इन तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि इसी नाम को सबसे पुराना नाम माना जाता है। आइए अब आपको बताते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। भारत नाम पढ़ने के पीछे भी विभिन्न मत हैं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार महाभारत काल में राजा दुष्यंत और उनकी रानी शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। भरत को बहुत बहादुर बताया जाता है। वो बाल्यकाल से ही सिंह के बच्चों के साथ खेलते थे। राजा भरत को भारत का सबसे पहला राजा भी माना जाता है। इसलिए ये माना जाता है कि इन्हीं शक्तिशाली राजा के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। इसके साथ ही ये भी माना जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव के दो पुत्र थे, गोमटेश्वर और भरत। तो ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। एक और नाम है हिंदुस्तान। हमारे देश में सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी मेहमान बनकर आए वो थे फारसी, जिन्हें पारसी भी कहा जाता है। वो लोग ईरान से आए थे, जिन्हें हम ईरानी भी कहते हैं। उनके राजा दारा प्रथम जब पहली बार भारत आए तो उन्होंने देखा कि ये पूरा देश तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है।
सिंधु नदी हमारे देश की सबसे प्राचीन नदी है, तो उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सिंधुवासी कहना शुरू कर दिया। लेकिन फारसी भाषा में स शब्द बोला ही नहीं जाता, वो लोग स की जगह ह बोलते हैं, तो सिंधु की जगह हो गया हिंदू। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु का अपभ्रंश हिंदू बन गया और हिंदू से बन गया हिंदुस्तान। तो ये कहना कुछ हद तक सही है कि अपने देश को हिंदुस्तान नाम ईरानियों ने दिया। अब चलिए हिंदुस्तान से इंडिया की यात्रा पर। इंडिया इस नाम से भारत के झंडे विश्व भर में विभिन्न क्षेत्रों में बुलंद हैं, लेकिन इंडिया नाम मिला कहाँ से? तो आजकल कुछ लोग कहते सुनते नजर आते हैं कि INDIA यानी इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। कुछ कहते हैं इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। दरअसल हमारे देश पर दूसरा आक्रमण ग्रीस यानी यूनानियों ने किया। वे हमारी सिंधु नदी को इंडस कहा करते थे, यही इंडस इंडिया बना। इस तरह हिंदुस्तान और इंडिया दोनों ही नाम अपने देश को विदेशियों के दिए हुए हैं। एक नाम यूनान और दूसरा नाम फारसियों ने दिया, और हमारे देश के ये दोनों नाम हिंदुस्तान और इंडिया सिंधु नदी के नाम पर ही पड़े हैं। तो ये थी हमारे देश के उन अनेक नामों की कहानी जिनका मतलब सिर्फ एक है, भारत। एकता और अखंडता वाला विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो सोन चिरैया और विश्व गुरु की उपाधि पा चुका है और वर्तमान में विकसित राष्ट्र बनने के पथ पर अग्रसर है, मेरा भारत महान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।